और आपको मैं ये भी बता दूं, जिस तरह से टाइम्स ऑफ नवभारत लोगों से जानना चाह रहा है कि सीमा हैदर को लेकर आप क्या जानते हैं, सीमा हैदर को लेकर आप क्या सोचते हैं, सीमा पर खुलकर टाइम्स ऑफ नवभारत पर आप बोल सकते हैं, सीमा पर खुलकर बोल टाइम्स ऑफ नवभारत का बड़ा ओपिनियन पोल, आप भी हमारे साथ इस ओपिनियन पोल का हिस्सा बन सकते हैं। सोशल मीडिया पर जल्दी से आइए, फेसबुक और ट्विटर पर आप हैशटैग सीमा एक्सेप्टेंसी और रिजेक्ट के तौर पर आप हमें यहां पर पोस्ट कर सकते हैं, और ये जो हैशटैग है वो भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी राय भेजना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है टीवी स्क्रीन पर भी बता रहे हैं, एक बार बता भी देती हूँ, 9355005558, और ये नंबर लगातार बार बार ब्लिंक कर रहा है टीवी स्क्रीन पर। आप अपनी राय हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, आप अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें, और इसके साथ ही इस बड़े ओपिनियन पोल पर आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। सीमा पर खुलकर बोल टाइम्स ऑफ नवभारत का ओपिनियन पोल, इस ओपिनियन पोल में आप अपनी राय दीजिए कि सीमा हैदर को भारत में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, सीमा हैदर को भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी को लेकर जनता क्या चाहती है, आप क्या चाहते हैं, हमारे साथ इस ओपिनियन पोल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ में जरूर जुड़े, फेसबुक और ट्विटर पर जो हैशटैग हम आपको बता रहे हैं उस हैशटैग के साथ में जुड़िए। फिलहाल जनता आखिर क्या चाहती है ये जानने की कोशिश करते हैं, पूरे भारत का ओपिनियन पोल जो है वो जताते हैं बताते हैं। हमारे साथ ही सचिन और सीमा के घर से जुड़े हैं प्रेरित कुमार, ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ में है वो, मोहित ओम हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, दिल्ली की जनता क्या चाहती है जानेंगे, मध्य प्रदेश का भी रुख करेंगे, मकरंद काले हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, लखनऊ का रुख करते हुए विनोद मिश्रा का भी हम रुख कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मोहित आपका रुख कर लेती हूँ, जिस तरह की मैं विनोद का रुख करती हूँ, विनोद के भी आसपास कई लोग नजर आ रहे हैं, विनोद जरा लोगों से पूछिए कि वो सीमा और सचिन को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं लखनऊ के लोग, और इनसे हम बात करेंगे, समझने कोशिश करेंगे कि सीमा हैदर को लेकर आपकी सोच क्या, आप महिला पहले आप बताइए कि सीमा हैदर को लेकर क्या सोचती हैं आप। मैं सोचती हूँ कि सीमा हैदर का पाकिस्तान से भारत आना हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को तार तार करता है, इसलिए वो एक स्पाई भी हो सकती है, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। मर्सी पिटिशन दाखिल की उसने, की उस दया मांग रही है कि उसे हिंदुस्तान में रहना दिया जाए, वो हिंदुस्तान के कल्चर को फॉलो कर रही है, शादी कर लिया उसने, तो आपको लगता है कि उसको रहना चाहिए? अल्टीमेटली अगर कोई दूसरे नेशन से हिंदुस्तान में आया है तो सबसे पहले उसने वो सारे नॉर्म्स जो हमारी कंट्री में हैं इमिग्रेशन के लिए उसको फॉलो किया है कि नहीं किया है। इट इज द लॉ ऑफ द कंट्री विच विल डिसाइड कि शी शुड बी गिवन अ लीगल वेलकम और शी शुड बी स्क्रूटनाइज्ड एंड देन सेंड बैक टू द कंट्री फ्रॉम वेयर शी इज कम। तो आपको लगता है कि उसको मतलब मिलना चाहिए अधिकार रहने का हिंदुस्तान में? ऑन द अदर हैंड इंडिया इज अ बिग डेमोक्रेसी। जो आपसे बात करेंगे, सीमा हैदर के बारे में सुना है आपने? हाँ जी, बहुत चल रहा है टीवी पर। क्या सोचते हैं उसको हिंदुस्तान में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2024 का जो चुनाव आ रहा हो सकता है विपक्ष कोई टारगेट इस पे हो जी। कोई मिशन में हो, क्योंकि विपक्ष तो बोखला है ना हर तरीके से। अच्छा। वो चाह रहा मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए। आप लोग ने सीमा हैदर के बारे में सुना है? हाँ जी सुना है। क्या क्या लगता है आपको, क्या राय है, सीमा को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, वापस मिलना चाहिए? रहना चाहिए, वो एक पाकिस्तानी जासूस मालूम देती है और उसके इतने रूप निकल के आ रहे हैं जिसको ये देखते हुए लग रहा है कि वो एक वाकई एक पाकिस्तानी जासूस है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो सकता है, और इस तरह हमारी सीमा में घुसना हमारी एजेंसियों के खिलाफ नाकामी का एक सबूत है। अच्छा, आपको क्या लगता है सीमा को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? तो क्या कह रहे हैं, यानी कि विनोद लखनऊ की जो जनता है उनके मिले जुले रिएक्शन से वो कह रहे हैं कि भाई सीमा को, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई है और जिस तरह से वो एजेंट के तौर पे जो तमाम बातें कही गई हैं उसको लेकर अलर्ट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से रुख मध्य प्रदेश का करती हूँ, जरा बताइए मकरंद, भोपाल की जनता मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है सीमा हैदर को लेकर, उनके क्या विचार है? देखिए सीमा हैदर को लेकर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया पहले भी दिखाते आए हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया मिलती है, अब चूंकि मर्सी पिटीशन दाखिल की है तो लोग क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। सीमा हैदर ने अब पिटीशन दाखिल की राष्ट्रपति को, उसको हिंदुस्तान रहने दिया जाए, आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? उनको रहने देना चाहिए यहाँ पर हिंदुस्तान में। अच्छा, रहने देना चाहिए? बिल्कुल रहने देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इतना अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है और इसके बाद में क्या है कि सब लोग कह रहे हैं जासूस है ये है, तो दो चार बच्चे जासूस नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ ठीक है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में रहने देना चाहिए या नहीं? सर ये को सरकार को फैसला करना चाहिए, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है किसको क्या पहुंचा रहा है, क्या है कैसा क्या है, अपने हिंदुस्तान के जो भी लोग जाते हैं
रघुनंदन सिंह गया था उसको कितने दिन कैद में रखे, बड़े मुश्किल से उसको छोड़े हैं। पाकिस्तान वाले को हिंदुस्तान में नहीं आना देना चाहिए और न रहने देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मेरा ये कहना है कि सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि पबजी खेलने से सच्चा प्यार हो जाता है। अच्छा, पबजी खेलने से? आपने खेला पबजी? हाँ खेलता हूँ, लेकिन नहीं मिला ऐसा कुछ? नहीं। ठीक है, क्या सोचते हैं आप, सीमा को रहने देना चाहिए हिंदुस्तान में? हाँ रहने देना चाहिए। क्यों, आप क्या सोचते हैं क्यों रहने देना चाहिए? अब प्यार सच्चा है तब तो भाग के आइए। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है सीमा को रहने देना चाहिए? नहीं 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 रहने देना चाहिए। क्यों, क्या वजह है, आप क्या सोचते हैं, कौन है सीमा? सीमा वो पाकिस्तान की है, नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान में, नहीं रहना देना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए। तो ये हम मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कोई कह रहा है कि रहने देना चाहिए, मोहब्बत है, कोई कह रहा है कि बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए, पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है। हाँ। तो जाहिर है कि सरकार को एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा लोग महसूस करते बिल्कुल हैं। मकरन, मध्य प्रदेश की जनता ये कह रही है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जो भारत है वो जो शांति प्रिय देश है और ऐसी जगह पर सभी का सम्मान है, अगर सीमा आई है उसी भावना से तो रहने दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भेजना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी अब ये जो है वो ट्रेंड कर रहा है। बता दें हमारे साथ में कई लोग जो हैं वो लगातार ट्वीट करते हुए रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। कुछ लोग उसमें सुरेखा तनवर कह रही मोहब्बत की मसीहा चार पाकिस्तानी साथ में लेकर आई है जो खतरे का अंदेशा हो सकते हैं, इनकी जांच की जाए, वापस भेजे। इसी तरह से ट्विटर पर ये कुछ और भी लोग हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट पर लगातार मैसेजेस कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये खतरा है, खतरे को भापिए, इस तरह से दया नहीं दिखानी चाहिए। डॉक्टर रामनाथ दुबे कह रहे हैं डिपोर्ट सीमा। आप भी हमारे साथ में सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। एक बार फिर बताऊं हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, आप फेसबुक या ट्विटर पर हमें ये लिखकर इस हैशटैग के साथ में आप भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप लगातार जो नंबर टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं व्हाट्सएप नंबर, आप वो व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। आखिर आपकी क्या राय है सीमा हैदर, क्या आप भी मानते हैं कि सीमा हैदर देश के लिए खतरा है, या फिर आपको लगता है कि सीमा जो है वो सचिन के लिए अगर इतनी दूर से यहां पर पहुंची है तमाम बाधाओं को पार करते हुए तो ये उनकी मोहब्बत है, इसीलिए उनको पनाह दे देनी चाहिए हिंदुस्तान में। आप अपनी राय हमें भेजिए इस ओपिनियन पोल में, नव भारत का ओपिनियन पोल में आप हमारे साथ में जुड़िए। और जो नंबर्स बताए जा रहे हैं उन नंबर्स पर आप हमें इस हैशटैग के साथ अपनी राय भेजिए। और इतना ही नहीं, आप अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें, और अदरवाइज आप फेसबुक या ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मेरे साथ में जो मेरे साथी लगातार लोगों की राय हम तक पहुंचा रहे, प्रेरित का रुख कर लेती हूं। प्रेरित इस समय सचिन और सीमा के घर के बाहर से ही मौजूद हैं। प्रेरित, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर लोग पिछले काफी समय से अलग अलग तरह की परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, लोग दूर दराज से मिलने आ रहे हैं, सीमा को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो चाहते क्या है, सीमा हैदर को रहना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, क्या सोचती है यहाँ की जनता? अब बिल्कुल देखिए, ग्रेटर नोएडा का यही वो रबुपुरा गांव है जहां पर सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके यहां पहुंची थी अपने प्रेमी सचिन के पास, जिसके पास ये जो जगह है, ये जो गांव है, ये लोगों के नजर में बहुत ज्यादा जो है केंद्रित हो गया, चाहे भारत के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, अन्य जगह के लोगों ने इस खबर को लेकर के, जानकारी को लेकर के अपनी बहुत ज्यादा रुचि दिखाई। शायद यही वजह है कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि जो है सो आस पास के इलाकों से भी लोग दूर दराज से यहां पहुंच रहे हैं, सीमा को देखने पहुंचे। हालांकि अब ने जो सो पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सीमा के घर को बाहर अंदर से बंद कर दिया है, सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको पुलिस अलाउ करेगी, लेकिन ये कुछ लोग मौजूद हैं जो आज भी सीमा को देखने हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पहले ये बताइए कि सीमा को भारत रहना चाहिए या वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? ये सचिन को और इसको दोनों को ही फांसी लगा देनी चाहिए। ये दूसरे देश से यहाँ आना अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, इसका हमारे दुश्मन देश से आए हुए तुरंत की तुरंत इन्हें फांसी देनी चाहिए, ताकि आने वाला कल ऐसी घटना का सामना ना करना पड़े। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? भैया जो आ गई सो आ गई, उसमें क्या बहाना क्या, उसका भेजना क्या है? जब वहाँ से उनको ने दी कि सेना वालों को जो वहाँ से निकल के आ रही है, तो आप कहा क्यों बहा रहे हो? मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं कि फांसी देनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि रखना चाहिए? वो देशद्रोही के उसमें कह रहे हैं कि देशद्रोही मानो इनको, तो अगर दूसरे मुल्क में आई है, प्रवेश किया उन्होंने, भाई क्या 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 नहीं, उसको बिल्कुल वहाँ से भेजना चाहिए, उसका तो कोई उपाय नहीं आने का, नहीं फायदा भेजने में, फायदा इससे क्या है, हमारे लोगों पे बहुत ज्यादा ऊपर, अगर हमारे देश की जाके पाकिस्तान में ऐसा कोई काम करने लग जावे तो हमारे देश पर कितना ऊपर पड़ेगा, ये तो हमारा हिंदुस्तान है, इस पर हमारे पे अगर कोई दाग लगाएगा तो हमारे जी पर जोर पड़ेगा।
क्योंकि इस चीज से इस पे कोई कोऑपरेट नहीं हो पाएगा, इसको तो वहीं भेजा जाए। ये देखिए, ये जी प्रेरित बिल्कुल इस चीज से कोई हमारे देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये युवा की राय है कि वापस भेज देना चाहिए, नहीं तो लोगों पे असर पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक वरिष्ठ भी है, सर आपके क्या राय है, क्योंकि आप सहमत है जाए यहाँ नहीं रहे जी। तो देखिए, यहाँ के जो लोग हैं उनका एकदम स्पष्ट मत है कि यहाँ नहीं रहना चाहिए, उन्हें वापस भेज देना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि यहाँ रहना चाहिए उनको जी। सबसे खास बात यह है कि हमने देखा है कि इसके पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर कई फिल्में भी बनी है। हीर रांझा का खुद जिक्र जो है वो अपनी मर्सी पिटिशन में किया है सीमा हैदर की तरफ से, कई बॉलीवुड फिल्मों का हवाला दिया गया है। लेकिन ये भी बता दें कि जिस तरह से अब ये जो ओपिनियन पोल टाइम्स ऑन भारत चला रहा है, जनता की ओपिनियन तो बता रहा है, लेकिन आप भी उस ओपिनियन पोल में हिस्सा ले सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप फोन उठाइए। आखिर आपकी क्या राय है फेसबुक या ट्विटर पर हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इस हैशटैग के साथ में आप अपनी राय भेजें। और जो हमने आपको नंबर बताए व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपनी राय भेज सकते हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं। मोहित, राजधानी दिल्ली की जनता बहुत एडवांस खुले विचारों वाली मानी जाती है, जरा ये बताइए कि जब अगर गदर फिल्म की बात होती है तो उसमें वही तालियों के साथ में याद किया जाता है, हम उस जोड़ी को देखते हैं। हीर रांझा का जिक्र यहाँ पर खुद अपनी मर्सी पिटिशन में किया है सीमा हैदर ने, लेकिन जनता इस रियल स्टोरी को कैसे देखती है? बिल्कुल, देखिए जब से सीमा हैदर हिंदुस्तान आई है तब से लेकर ये बात बनी चली आ रही है लगातार कि सीमा को हिंदुस्तान में रहना चाहिए या वापस भेज देना चाहिए। कुछ लोग हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोग हैं, इनसे जानते हैं। सीमा हैदर की जो कहानी चल रही है एक रियल स्टोरी है, इससे पहले ये ऐसी जो कहानी हमने फिल्मों में देखी है। अब सीमा हैदर को क्या लगता है, हिंदुस्तान में रहना चाहिए वापस भेजना चाहिए? देखिए जी, ये स्टोरी देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तारा सिंह इंडिया से वहाँ पहुँच गया है पाकिस्तान। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीमा हैदर है क्या, कौन है, क्या क्या वो ऐसा कैसा प्यार है कि मतलब या उनके पति उनको प्रताड़ित करते थे या वहां जहाँ रहती है वहां के लोग परेशान करते थे, कहीं ऐसा ये प्यार दिखा, चार बच्चे हो गए, प्यार वो प्यार नहीं था, आज सचिन के साथ है, कल को प्यार किसी और के साथ, ये प्यार मतलब फैब्रिकेटेड है क्या, कहीं किसी के साथ जो कुछ हो जाए ऐसा? देखो हिंदुस्तान के साथ आज की डेट में बाहर के मुल्क पाकिस्तान के भी बहुत सारे आपके चैनलों के माध्यम से दिखते हैं जो लोग चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए, हमारा देश जैसा देश हमारा भारत प्राउड फील कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऐसा पाकिस्तान में हो जाए, तो बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए, इसका ये कदम उठाने से जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको कितनी बड़ी परेशानी हो रही है, क्या वहां के जो तथाकथित लोग हैं वो क्या परेशान नहीं कर रहे, उन्हें मारने की धमकियां मिल रही, सब कुछ मिल रहा है, प्यार में मिलावट नजर आ रही है, क्या लगता है? प्यार में मिलावट नहीं, यहाँ तो मुझे लगता है पूरी मिलावट ही मिलावट है। और मैं भारत सरकार से दरखास्त करना चाहूंगा इस पूरे मैटर को प्रायोरिटी पे चेक किया जाए कि वास्तव में प्यार है या पीछे से कोई षड्यंत्र है जिसके माध्यम सीमा हैदर के माध्यम से हिंदुस्तान भेजा गया है, जो ये शो कर रहा है कि वो सात समुद्र पार से पाकिस्तान बॉर्डर पार करके दुबई और नेपाल होते हुए यहाँ पर सचिन के प्यार में पड़ गई है और चार बच्चों को साथ लेके आई है। प्यार में अगर कोई पड़ता है तो बच्चे बच्चे सब भूल जाता है और सब छोड़ के आता है। दिल्ली की आवाज़ देश सुनती है, क्या कहना है दिल्ली के लोगों का, आप लोगों का क्या कहना है सीमा हैदर को लेकर? दिल्ली के लोगों का ये कहना है कि जो है यहाँ पे जो है ये चीज़ नहीं बिल्कुल गवारा होगी कि कोई अपने चार चार बच्चों को लेके अपने लेके किसी प्रेमी के पास आके रहे, ये बिल्कुल नहीं है। एक तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था इससे बहुत कमजोर हो जाएगी, कल को जो है सारे पाकिस्तान में कोई भी मुंह उठा के चला आएगा भारत में कि हमको जो है यहाँ पे न्याय मिले, हमको यहाँ पे रहने दिया जाए, तो ये चीज़ तो सही नहीं है। क्या लगता है आपको, गेम खेलते खेलते इतना प्यार हो सकता है कि कोई अपना देश छोड़ के बच्चे छोड़ के बच्चे लेकर पति छोड़ कर आ सकता है? नहीं नहीं, ये सब गलत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर आया है इस हैशटैग के साथ में, जरा इसका भी जवाब लीजिएगा। एक व्यक्ति ने कहा है कि मैडम लगता है कि सीमा हैदर को वर्ल्ड कप देख लेने देना चाहिए, क्योंकि इसी बहाने से वो इंडिया में आई है और उसके बाद में फिर उन्हें वापस पाकिस्तान रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये बड़े अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मैं अपने साथियों का रुख करूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को बता दें। सीमा पर जो हम सर्वे चला रहे हैं उसका पहला रुझान आ चुका है। 63% लोग सीमा को भारत में रखने के पक्ष में है और 37% लोग पाकिस्तान भेजने के पक्ष में। समझिए जरा, इसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो चाहते हैं कि सीमा को भारत में रहने दिया जाए और 37% लोग हैं पाकिस्तान भेजने के पक्ष में। देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोगों की राय जो है हम आपको बता रहे हैं।
सोशल मीडिया पर हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट को लेकर जो अभी तक जो हमने पोल चलाया है, आप भी उस पोल में हिस्सा ले सकते हैं जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ। लेकिन अभी तक का जो ये ओपिनियन पोल का मीटर है उसमें स्वीकार्यता को लेकर 63% लोगों ने वोट दिया है, 37% लोग देश से बाहर भेजने के लिए अपना वोट दे रहे हैं। आप भी, आपकी क्या राय है, आप भी जरूर भेजिए, आप भी जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमा हैदर ने दया याचिका दाखिल की है, अलग अलग दलीलें इस याचिका में दी हैं। हीर रांझा का जिक्र किया है, बॉलीवुड फिल्मों का जिक्र किया है, लेकिन जो रील्स में नजर आती हैं सीमा, क्या वो रियल में भी वही है, ये लोगों के मन में सवाल है। आपकी क्या राय है, आप इस ओपिनियन पोल का हिस्सा जरूर जरूर और जरूर बनिए। हैशटैग सीमा एक्सेप्ट या रिजेक्ट के साथ में फेसबुक और ट्विटर पर आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया के अलावा आप व्हाट्सएप पर भी हमें, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। प्रेरित हमारे साथ में, प्रेरित अभी तक जो ओपिनियन पोल में लोगों के जो वोट है उसमें 63% लोग कह रहे हैं कि सीमा को भारत में रहने दिया जाए, आखिर क्या कहेंगे? आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल जो है, जो देश के अलग अलग लोग उसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं और वोट कर रहे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है ऑन ग्राउंड जिनसे हम बात करेंगे। आप क्या सोचते हैं, सीमा को यहाँ होना चाहिए या वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखो वो तो सरकार फैसला करेगी, हम कोई फैसला करने वाले नहीं है, सरकार के ऊपर है वो तो। एक नागरिक के तौर पे आप क्या सोचते हैं? सरकार ही करेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से तो यही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि कोई अपने प्यार की खातिर अपने बालक बच्चों को सबको लेकर इधर आया तो उसको रखना चाहिए अपनी शरण में। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है तो प्रशासन इस चीज के लिए सहमत है, प्रशासन अपना जैसा करेगा उसके लिए हम मानते हैं। आप क्या सोचते हैं भाई साहब? मतलब ये सर यहाँ पे रहे तो और बढ़िया बात है। तो ये वही लोग हैं जो 63% वाले मत में आते हैं कि जिनका कहना है कि यहाँ रहना चाहिए, क्या कहेंगे? यही रहनी चाहिए गुरु, यही रहनी चाहिए। अगर वो गलत होती तो अपने बच्चे ने लेके यहाँ ना आती शायद। पाकिस्तान तो हम देख नहीं सकते लेकिन पाकिस्तानी भाभी तो देख ले, इसलिए आए थे। लेकिन यहाँ पे तो प्रशासन का इतना तगड़ा पहरा है कि जा ही नहीं सकते, वहाँ देख नहीं सकते। तो आप अपनी पाकिस्तानी भाभी देखने आए? हाँ जी, पाकिस्तानी भाभी देखने आए हम तो। देखिए ये वो लोग हैं जिनके अपने अलग अलग राय हैं, जिन लोगों का कहना है कि अब यहाँ आई है 4 बच्चों के साथ तो वो गलत नहीं हो सकती है, उन्हें रहने देना चाहिए। तो भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि इन चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें वापस जो है पाकिस्तान। देखिए ये एक बड़ा कोतवाल का विषय बन चुका है लोगों के लिए। लोग ये देखना चाहते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं देख सकते तो पाकिस्तान से आई भाभी को देख ले, ये सुप्ता के साथ में लोग यहाँ पर जरूर पहुंचे। विनोद का मैं रुक करूं लेकिन इसके साथ साथ में कमेंट्स भी और जो हैशटैग पर आप लोग जो लगातार रिएक्ट करें वो भी बता दूं। कमलेश वी सावला जी हैं, वो लिख रहे हैं कि सीमा हैदर को रिजेक्ट करना चाहिए, कोई भरोसा नहीं कर सकते। आज जिस तरह से वो नजर आ रही, हो सकता है आने वाले वक्त में वो और उनके 4 बच्चे भारत के लिए खतरा हो। हालांकि जांच जरूर की जा रही है, आप भी अपनी राय जरूर भेजिए आखिर आप क्या चाहते हैं। लेकिन विनोद, ये जो रील्स नजर आ रही थी, रील से लेकर रियल तक की जो सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी है वो एक बहुत व्यापक हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि अगर सीमा पाकिस्तानी एजेंट होती तो इतनी इस तरह से एक्सपोज क्यों करती, वो ये क्यों बताती कि वो पाकिस्तान से आई है, मीडिया में खुलकर क्यों आती, ये इसको लेकर लोगों की क्या राय है जरा पूछिए। हाँ बिल्कुल, मैं लखनऊ में हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं। आपने सीमा हैदर की कहानी तो देखी होगी, आपको लगता है कि जो रियल लाइफ और रियल लाइफ में सीमा हैदर को क्या करना चाहिए, उसको इंडिया रखना चाहिए, उसको पाकिस्तान भेजना चाहिए? वो मर्सी पिटिशन से दाखिल किए राष्ट्रपति के पास, तो उसके बारे में आप लोग की सोच क्या है? हमारी सोच तो यही है कि अगर वो आई है कुछ भी सोच के तो उसको यहाँ पे रख लेना चाहिए। अच्छा, वो आपको नहीं लगता कि वो जासूस हो सकती है उसको लेकर? अब आई है तो उसका पूरे तरीके से उसके लिए वेरीफाई होना चाहिए पहले, तो फिर उसके बाद आगे कोई काम करना चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो सीमा को लेकर? सीमा की कहानी आपने देखी होगी, लगातार चल रही है, सीमा को लेकर आपकी सोच क्या है? जिस हिसाब से न्यूज वगैरह में दिखाया जा रहा है और जो उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह दिखाई जा रही है उसके हिसाब से, जो उसकी मतलब जिस हिसाब से वो बात करती है उससे लगता नहीं कि चौथी फेल है वो, तो ये कुछ साजिश भी हो सकती है पाकिस्तानी, और मेरे हिसाब से उसको वापस भेज देना चाहिए। आपको लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान? ये जो है हमें लगता है कि बहुत सारी न्यूज़ों को दबाने के लिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है, और क्योंकि जैसे कि अभी मणिपुर भी इतना टाइम से जल रहा है, वो तो पहले से आई थी, जो घटना हो रही है उसको लेकर बड़ा सा सवाल भी है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से सीमा को लेकर सवाल हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको रखना चाहिए, यहाँ पे प्यार के वास्ते हिंदुस्तान आई है,
तो रखना चाहिए। हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जो ऐसे लोग स्वीकार कर लेता है। नहीं, मुझे दाल में कुछ काला लगता है, उसकी बहुत जल्द से जल्द वापसी होनी चाहिए, क्योंकि जांच में वो कहीं भी सही नहीं पाई जा रही। इतने पासपोर्ट 5 गिलास बता रहे पड़ी भी है, तो 2024 का चुनाव बहुत करीब है। हो सकता है विपक्ष का कुछ ना कुछ हथकंडा जमा रहा हो, क्योंकि हर आदमी मोदी जी को हटाने के चक्कर में लगा हुआ है। इन लोगों ने, विपक्ष ने विकास किया नहीं, सिर्फ हिंसा की नफरत की लोग बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश को तोड़ने की। कौन सी है विपक्ष की? आप भाई साहब, आपको क्या लगता है, सी बहादुर के लिए क्या सोचा? सर, मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी पर ये गहरी साजिश रची जा रही है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, ये कोई विपक्ष की ही चाल हो सकती है। विपक्ष की चाल हो सकती है? सीमा को हिंदुस्तान में रखना चाहिए फिर कि वापस फिरना चाहिए? नहीं, मुझे लगता नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता नहीं। ठीक है, विनोद, यानी कि लोग इस बात को भी मान रहे हैं कि आने वाले जो खतरा है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। मकरंद काले का रुख कर लेती हूँ। मकरंद, जो लोग लगातार रिएक्शन कर रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया है। ये पूरा जो सीमा और सचिन की लव स्टोरी है, वो ज्योति मौर्य और उनके जो अभी पूरा जो स्टोरी सामने आई उनके हस्बैंड को लेकर कहा जा रहा है। उनका कहना है ज्योति मौर्य की भी यही स्टोरी थी, तो भाई उसने तो धोखा दिया, ये कहा जा रहा है। अब सब सीमा अगर यहाँ पर आई अपने बच्चों को लेकर, पति को छोड़कर, तो वो अन्याय क्या है? वो धोखा क्यों? वो अन्याय कैसा है? लोग क्या मानते हैं इसको लेकर, बताएं। बिल्कुल, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को दिखा ही रहे हैं और लोग भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। एक युवा हमारे साथ है, सीमा हैदर को लेकर क्या सोचते हैं आप? जी, सीमा हैदर पर सरकार अपना समय खराब कर रही है। एक बार बाबा बागेश्वर से पूछ लेते जासूस की नहीं बात, मतलब बाबा बागेश्वर से पूछ लीजिए कि वो जासूस है या नहीं। ठीक है, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे इस मामले में? सर, वो अपने पति की नहीं हुई तो हिंदुस्तानी की होगी क्या ये? अच्छा, बच्चों को लेके भी आई है, उसका पति वहाँ पे बैठ के रो रहा है कि मेरे पास आ जा, जब वहाँ नहीं जा रही है वो हिंदुस्तान में क्यों आई है? तो उसका नार्को टेस्ट करवाया जाए। हाँ, एक सवाल था कि सीमा हैदर को लेकर, उसको सीमा हैदर को हिंदुस्तान में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए? नहीं। क्या वजह है, क्यों मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसे ही उसने मर्सी पिटीशन भी दाखिल की है। सीमा हैदर को रखना चाहिए हिंदुस्तान में? नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सीमा हैदर को रखना चाहिए हिंदुस्तान में? बिल्कुल रखना चाहिए। रखना चाहिए? आप भी मानते रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। तो जरा जानने की कोशिश कीजिए मकरंद, उनकी राय क्या है, क्यों चाहते हैं कि सीमा हैदर यहाँ रहे? ठीक है, सीमा हैदर को यहाँ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, पहले सवाल? बिल्कुल नहीं सर। नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप क्या सोचते हैं, सीमा हैदर को रखना चाहिए हिंदुस्तान में? रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए? ठीक है, आप क्या मानते हैं, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, नहीं रखना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो सीमा हैदर को रखने की बात करें। जो व्यक्ति हैं जो सीमा हैदर को चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रखा जाए, उनसे भी पूछते हैं क्या वजह है, सीमा हैदर को क्यों रखना चाहिए? सीमा हैदर को इसलिए रखना चाहिए। मैं आपका दोबारा रुख करूंगी, लेकिन बता दें कि अब ये जो मीटर है वो तेजी से बदल रहा है। ओपिनियन पोल जो पहले प्रतिशत ज्यादा था कि सीमा हैदर को भारत में रखना चाहिए, अब वो प्रतिशत कंपैरेटिवली कम हुआ है, लेकिन अभी भी 59% लोग सीमा को भारत में रखने के पक्ष में है, 41% लोग पाकिस्तान भेजने के पक्ष में है। अब देखिए, सबके अपने अपनी राय है। अभी भी 59% लोगों की राय मैं आपको बता दूं, वो लोग चाहते हैं कि अब अगर सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान में रखना चाहिए। लोग ये दलील दे रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर आती है इतने रिस्क लेकर, भाई लोग यही कह रहे हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझिए आग का दरिया है, डूब कर जाना है, और पाकिस्तान से सीमा जो है वो इसी आग के दरिए को पार करती हुई आई है और इसी तरह से दरिया को पार करती हुई आ रही है। आप ये समझिए, लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोगों के बड़े दिलचस्प रिएक्शन हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप भी, अगर अभी आप टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो आप भी सीमा पर खुलकर बोलिए, टाइम्स ऑफ भारत के ओपिनियन पोल से जुड़िए, सोशल मीडिया पर, फेसबुक और ट्विटर पर #SeemaAcceptYaRejectपर आप अपनी राय भेजिए, या फिर जो नंबर टाइम्स ऑफ भारत लगातार आपको बता रहा है ये व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी राय हमें भेजिए, अपने नाम और अपने शहर के साथ।